हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक टॉपिक, एक आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरसेस से भी छोटा होता है। ये है वायरॉइड्स। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने वायरसेस के बारे में चीज़ें देख ली थी, क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज कैसे लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल चलती है, उनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। आज का जो टॉपिक है इसमें सिर्फ हम वायरॉइड्स के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रियॉन्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ द वायरॉइड्स। मेरा नाम स्वाति सिंह है, आप सबको पता है, और मैं आपको क्या करती हूँ, बॉटनी पढ़ाती हूँ। तो वायरॉइड्स क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में वायरॉइड जैसा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मैंने जो आपको वायरसेस पढ़ाए थे, जब हमने वायरस पढ़े थे तो मैंने आपको बोला था कि वायरस जो होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन का मतलब तो प्रोटीन होता ही है, वो तो हमको पता है। तो ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है, ये सबको पता है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है, ये सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन के, न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और वो भी न्यूक्लिक एसिड कौन सा वाला होता है, आरएनए होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये हो गया वायरॉइड्स, मतलब कि वायरसेस क्या है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी और प्रोटीन्स भी हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो या आरएनए हो कोई एक होता है, लेकिन वायरॉइड्स में क्या होता है, हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा आरएनए होता है, और इसके पास प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। और आरएनए भी कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड्स आरएनए होते हैं। प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। वहीं अगर एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है जो कि है प्रियॉन्स, उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रियॉन्स क्या होते हैं। ये बने होते हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन इन फोल्डिंग होती है जिसे कि हम लोग प्रियॉन्स कहते हैं। और जो ये प्रोटीन की इनफोल्डिंग होती है, इनके पास सिर्फ प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि वायरस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं। अगर ये डिफरेंस आपके दिमाग में होता है कि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं प्रोटीन भी होते हैं, वायरॉइड्स के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो भी कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और प्रियॉन्स के पास क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटीन होते हैं। एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ याद करने के लिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, वी से वायरॉइड्स है और वी से क्या है आपका जो है कि, और देखिए अगर आप याद रखते हैं, पी से प्रियॉन्स है और पी से प्रोटीन है, मतलब कि जो प्रियॉन्स है उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब वायरस और वायरॉइड सेम है, तो वायरॉइड्स क्या है, मतलब अगर ये पी पी वाला है तो वायरॉइड्स क्या है, इसके पास, अगर इसके पास पी है तो इसके पास पी एब्सेंट होगा, मतलब प्रोटीन इसके पास प्रेजेंट है तो प्रोटीन इसके पास एब्सेंट होगा, और इसके पास न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है तो इसके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। वायरस के पास तो आपको पता ही है, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि किसके पास जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसके पास जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो पी से प्रियॉन्स होता है और पी से प्रोटीन्स होता है, मतलब जो प्रियॉन्स वाले हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर प्रियॉन्स के पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है, और अगर प्रियॉन्स के पास न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है तो दूसरे के पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब कि वायरॉइड्स के पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट और प्रोटीन जो है कि वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बेसिक सी चीज थी। आगे चलते हैं स्लाइड पे। वायरॉइड्स क्या है, ये आर नो लॉन्ग, देखिए क्या है, क्या दिया है कि वायरस आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए सबसे पहले हमको लोगों को क्या लगता था कि बैक्टीरिया सबसे छोटा है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले लगता था कि स्मॉलेस्ट क्या है, बैक्टीरिया है। उसके बाद जब बैक्टीरियल फिल्टर वगैरह वाली कंडीशन देखनी गई, जब आइवानोवस्की ने अपना आगे का काम किया, तो बैक्टीरिया के बाद पता चला कि सबसे छोटा क्या है, वायरस है। सबसे छोटा क्या है, वायरस है। कुछ दिन तक चला कि वायरस सबसे छोटा है, लेकिन वायरस के बाद एक और ऑर्गेनिज्म की स्टडी हुई जिसे कहते हैं वायरॉइड।
तो जब वायरॉइड्स की स्टडी हुई तब पता चला कि जो है वायरस वो सबसे छोटे नहीं है, उनसे भी छोटा कुछ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायरॉइड्स कहते हैं। तो क्या दिया है, वही चीज़ यहाँ पे दिया है, वायरस आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। जो वायरस है वो बहुत लंबा टाइम ऐसा नहीं था जबकि हम वायरस को समझे कि सबसे छोटा था, क्यों, क्योंकि इससे छोटा भी कोई मिल चुका था। मतलब कि ये लाइन तब तक सबसे छोटे से कोई सारे ऑर्गेनिज्म इतने बड़े बड़े हैं, तो ये लाइन तब तक सबसे छोटी है जब तक कि इससे छोटी लाइन हमको ना मिल जाए। तो वायरस सबसे छोटा था कुछ दिन तक, लेकिन उससे भी छोटी कोई चीज हमको मिल गई, तो इसका मतलब सबसे छोटी चीज क्या हो गई, वायरॉइड्स हो गई। अब क्या है कि डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं कि 1971 में 1971 में डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, सबसे पहली बार न्यू इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में स्टडी हुई, विच वेयर इवन स्मॉलर देन वायरसेस, जो कि वायरसेस से भी स्मॉलर साइज के होते हैं। ही इंट्रोड्यूस द टर्म वायरॉइड्स फॉर सब वायरल पैथोजन, और जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया इन पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके लिए जो टर्म यूज किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरॉइड्स कहते हैं। उसके बाद क्या दिया, द फर्स्ट कम टू फ्लाइट इन अटेम्प्ट एंड आइसोलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स द एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल डिजीज, द डिजीज एज्यूम टू कॉज बाई वायरसेस। एक डिजीज होती है टोबैको में, पोटैटो में एक डिजीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज के बारे में जब स्टडी स्टार्ट हुई तो पहले लोगों को लगता था कि ये वायरसेस से होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वायरसेस में न्यूक्लियस भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से होता है जिनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इनके पास प्रोटीन जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहली बार इनके बारे में तब पता चला था, ये मोस्टली कौन से डिजीज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में सबसे पहले जो है कि इसके बारे में पता चला था। टीओ डाइनर ने इसकी डिस्कवरी की थी, टीओ डाइनर ने। उसके बाद क्या दिया है, दिस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैव आरएनए एंड डिवॉइड ऑफ न्यूक्लिक प्रोटीन, इनके पास क्या होता है, सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है और इनके पास प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होता है, इनके पास क्या होता है, प्रोटीन्स एबसेंट होता है, इनके पास जो होता है वो क्या होता है, आरएनए। मतलब कि इनके पास सिर्फ इन्फेक्शियस जो है कि इनके लिए जो डिजीज कॉज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं पर प्रोटीन नहीं बनता, क्योंकि इनके जो कोडॉन्स होते हैं, मान लीजिए कि ये इसका एमआरएनए है, ये इसका जो एमआरएनए है, इस पे जो कोड होते हैं वो इस तरीके के कोड होते हैं जो कि किसी प्रोटीन को कोड ही नहीं करते। मतलब इस तरीके के यहाँ पे कोड प्रेजेंट होते हैं कि जो ये किसी कोड जिसे ये किसी प्रोटीन को बना नहीं सकते, नहीं तो ये जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते तो जेनेटिक मटेरियल था तो इनके पास प्रोटीन तो बनना चाहिए था ना, लेकिन इनके जो जेनेटिक मटेरियल पर जो सीक्वेंस होता है वो किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प ही नहीं करता, वो सीक्वेंस जो है ऐसे होते हैं जहाँ से कोई प्रोटीन बनता ही नहीं है। तो इस तरीके का सीक्वेंस होने की वजह से इनके पास कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्या दिया है, दीज इन्फेक्शियस आर एन ए हैव वेरी लो मॉलिकुलर वेट, ऐसे जो आर एन ए इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स है इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो बहुत कम है, अनलाइक कॉन्वेंशनल वायरसेस इन देम एनी प्लांट डिजीज। मतलब कि इनका जो नॉर्मल जो वायरसेस होते हैं इनका जो वेट होता है उससे बहुत कम होता है। कुछ प्लांट डिजीज जो ये कॉज करते हैं वो क्या है, सिट्रस एक्सोकॉटिस, नाम याद रखेंगे, और क्या है, क्राइजेंथमम, स्टंट कुकुम्बर, पेल फ्रूट, मतलब कुकुम्बर की जो फ्रूट होती है वो पीली पीली हो जाती है, क्राइजेंथनम स्टंट, मतलब उसकी साइज छोटी हो जाती है, हाइट छोटी हो जाती है, सिट्रस एक्सकॉटिस, और ये एक आपका जो डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये सारे कुछ मेन डिजीज हैं जो कि वायरॉइड्स के द्वारा कॉज होते हैं। वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स जो है वो मेनली जो है प्लांट डिजीज करता है। हमने यहाँ पे जब वायरस वायरॉइड्स के बारे में देखा तो ये क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या करते हैं, मेनली डिजीज कॉज्ड इन प्लांट डिजीज़, इनके बारे में जो हमें स्टडी हुई है जो चीज़ें पता चली हैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा पता चला है कि ये प्लांट के ऊपर डिजीज़ करते हैं। और प्रियांस क्या करते हैं, ये एनिमल पर डिजीज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, एनिमल्स की जो नर्वस सिस्टम होती है उसकी जो ब्रेन्स स्पाइनल कॉर्ड ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं और वहाँ पर डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद वायरसेस में क्या है कि वायरसेस जो हैं वो एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, ये एनिमल को भी डिजीज़ करते हैं, प्लांट को भी करते हैं, फंगी को भी करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों को डिजीज़ करते हैं। वायरॉइड्स का मेन डिजीज़ क्या है, प्लांट है, प्रियॉन्स का मेन क्या है, एनिमल्स है, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं, इन एनिमल देयर सर्च ऑफ वायरॉइड्स इज़ वेरी स्लो, मतलब
जो मोस्टली हमको डिजीज़ के बारे में पता चला कि ये वायरस से होता है वो किस में पता चला, प्लांट के। हो सकता है कि एनिमल में भी बहुत सारे डिजीज़ होते हों इसकी वजह से, लेकिन हमको अभी तक जो इन्फॉर्मेशन वो मेनली कहाँ पे है, वो मेनली है कि ये मेनली जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो प्लांट में करते हैं। इन एनिमल रिसर्च वायरस इज रिलेटिवली सो वी नो ओनली फ्यू एनिमल डिजीज़, जो कि हमने बहुत कम ऐसे डिजीज़ के बारे में पता है जो कि वायरॉइड से होते हैं एनिमल्स में होते हैं। उसके नाम क्या है? स्कैर्पी डिजीज़ ऑफ सिप, एलिस माइनर डिजीज़ ऑफ ह्यूमन, एल्जीमर या एलिजमाइनर, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डिजीज़ हैं जो कि एनिमल्स में भी इसके द्वारा कॉज होते हैं, लेकिन मेनली जो डिजीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है वो प्लांट के बारे में ज़्यादा स्टडी की गई है। उसके बाद क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज एक्सक्लूसिवली ए सिंगल पीस ऑफ सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच हैव सम डबल स्टैंडर्ड रीजन। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? सिंगल पीस ऑफ सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब कि जो डीएनए का जो पीस होता है, जो डीएनए वाली जो डीएनए का इस तरीके से है, तो वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है। जब सर्कुलर होगा तो कहीं ना कहीं पे तो ये डबल स्टैंडर्ड हो ही जाएगा। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे कुछ बेसेस है और यहाँ पे कुछ बेस है, तो ये बेस मिलके क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है कि मेनली ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, कभी कभी डबल स्टैंडर्ड जाते हैं इनकी इनफोल्डिंग की वजह से। ठीक है, कुछ बातें और वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स कंसिस्ट एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ ऑफ आरएनए विदाउट एनी प्रोटेक्शन कवरिंग। जो वायरॉइड्स होते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोटीन नहीं होता, इसलिए इसका मतलब कि इसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, और इनकी जो लेंथ होती है आरएनए की वो बहुत छोटी होती है। जब पहली बार प्यूरीफाई किया गया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को, तो हमको पता चला था कि इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2503 से लेके 350, 250 से लेके 350 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसमें कि एडिनिन और यूरेसिल का जो कम मतलब कि जो कम उसका जो परसेंटेज है वो 21.7 और 20.9, 28.9 से 28.3 इस तरीके से इनका जो है कि अरेंजमेंट है। इसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एडिनिन और यूरेसिल। देखिए यहाँ पे एडिनिन के साथ यूरेसिल दिया गया है, एडिनिन के साथ यूरेसिल दिया गया है, जबकि हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? एडिनिन के साथ थायमिन पढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पे यूरेसिल क्यों दिया गया है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आरएनए है, आरएनए में क्या थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। हमारे डीएनए में क्या होता है? डीएनए में हमारे होते हैं एडिनिन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, इस तरीके से होता है। जबकि हमारे आरएनए में क्या होता है? आरएनए में एडिनिन होता है, यूरेसिल होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, मतलब टी के जगह पे यू होता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि एडिनिन और यूरेसिल का जो कंपाउंड का जो अमाउंट है वो 21.7 है और ये 20.9 है, और ग्वानिन का 28.9 है और साइटोसिन का 28.3 है। उसके बाद क्या दिया? वायरॉइड्स डू नॉट पॉजिट कैप्सिड, इनके पास कोई कैप्सिड नहीं होते, बिकॉज द आरएनए ऑफ वायरॉइड डज नॉट कोड एनी प्रोटीन्स, क्योंकि ये जो है किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। दे आर रेप्लिकेशन मैकेनिज्म यूज एज अ होस्ट सेल एंजाइम, इनका जो रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो एक होस्ट सेल जो अपने एंजाइम्स होते हैं उसको ही यूज़ करके इनका रेप्लिकेशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज टू हैविंग कैपेसिटी कैटालिटिक विच अलाउ टू सेल्फ क्लीवेज, इनके पास जो है कि इनका अपना तो कुछ प्रोटीन्स वगैरह होता नहीं, इनके पास अपना कोई एंजाइम्स भी नहीं होता, तो ये अपने होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। दो हाइपोथेसिस दिए गए हैं रिगार्डिंग द वायरॉइड्स रेप्लिकेशन। वायरॉइड के रेप्लिकेशन के लिए दो हाइपोथेसिस दिए गए हैं। पहला क्या है? आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन, जिसमें आरएनए को ही एज अ टेम्पलेट यूज़ करके रेप्लिकेशन किया जाता है। दूसरा क्या है? डीएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन, इसमें क्या है कि जो होस्ट का जो डीएनए होता है, जो होस्ट का डीएनए होता है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं, जबकि इसमें क्या है कि आरएनए को ही टेम्पलेट की तरह यूज़ करके ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड प्लांट, जो प्लांट आपका अफेक्टेड है, जिस पे ये इन्फेक्शन हुआ है, देयर एग्जिस्ट ए रेप्लिकेशन एंजाइम, कुछ रेप्लिकेशन एंजाइम्स होते हैं विच एक्सेप्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ आरएनए स्पीसीज एज अ टेम्पलेट। द प्रेजेंस ऑफ आरएनए डायरेक्टेड डीएनए आरएनए पॉलीमरेज हैज बीन सो इन हेल्दी प्लांट चाइनीज कैबेज एंड टोबैको। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन है, कि मतलब हमारा जो एमआरएनए था, मतलब हमारा जो वायरॉइड था उसका जो आरएनए था, जो हमारा वायरॉइड था उसका जो आरएनए था, उसका जो आरएनए था, यही क्या करेगा कि आगे जो है कि इसी के लिए जो आरएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वही जो है कि इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके जो है बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, अरे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन,
जब हम लोग पढ़ते हैं क्या ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से क्या बनता है आरएनए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आरएनए, इस प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है। आपको मैं अलग से समझाती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा। देखिए, जब हमारी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन में होता ये है कि हमारे पास जो डीएनए था उससे हम क्या करते हैं आरएनए बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया। लेकिन जो हमारा यहाँ पे इसमें जो एंजाइम यूज होता है, वो एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब कि डीएनए को रीड करके जो चेन बन रही है वो आरएनए की बन रही है। मतलब कि हमारा जो डीएनए था, जैसे हमारा जो डीएनए था इस पे डिपेंड है कोई एंजाइम, इसके सीक्वेंस को रीड कर रही है और बना क्या रही है, बना रही है आरएनए। और रीड किसको कर रही है, रीड कर रही है किसको, डीएनए को, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि कोई होस्ट सेल है, मान लीजिए कोई होस्ट सेल है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका ये डीएनए है, ये इसका डीएनए है। इस डीएनए से क्या हुआ कि आरएनए बना, इस डीएनए से क्या है आरएनए बना। और ये जो आरएनए है, अब मान लीजिए कि इसके इस आरएनए पे जो हमारा वायरॉइड्स का जो आरएनए था, वायरॉइड्स का जो आरएनए आया था, वो इस पे डिपेंड होके अपनी जो है कि कॉपीज बनाता है, अपनी जो है यहाँ पे कॉपीज बनाता है। तो इस तरीके का जो रेप्लिकेशन होता है, सो क्या कहते हैं, डी आर एन ए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या दिया है, डी एन ए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट वायरॉइड माइट बी रेप्लिकेट ऑन डी एन ए टैबलेट। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार जो हमने भी बनाया था, मान लीजिए ये कोई होस्ट सेल है, तो इसका जो डी एन ए था, इसका जो डी एन ए था, इसी डीएनए को एज अ टैम्पलेट यूज़ करके, डीएनए को एज अ टैम्पलेट यूज़ करके जो वायरॉइड्स है ये अपनी कॉपी इनक्रीज करता है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन की तरह वर्क करता है। तो ये हो गया कि किस तरीके से मेडिएटेड रेप्लिकेशंस होता है। अगर आपको समझ में आई चीज़ें तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वायरॉइड वाले क्वेश्चन कभी भी लॉन्ग में नहीं पूछेंगे, आपको शॉर्ट में पूछेगा। तो आप इतना लिख सकते हैं कि ये वायरस से छोटे होते हैं, इनके पास प्रोटीन्स बनाने की कोई मशीनरी नहीं होती, ये इनके जो सीक्वेंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, इनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। कभी कभी ये इनफोल्डिंग की वजह से ये डबल स्टैंडर्ड भी हो जाता है। और क्या बताएंगे आप, बताएंगे कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये मोस्टली इनके जो डिजीज हैं वो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में इनके डिजीज बहुत कम देखे गए हैं या फिर उनके ऊपर स्टडी कम की गई है। ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देते हैं कि किस तरीके से वायरस वायरॉइड्स एक दूसरे से अलग है, तो आपको प्रॉपर आपके नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है, वायरॉइड्स एंड प्लांट डिजीज। वायरॉइड्स जो है कि कुछ प्लांट डिजीज के बारे में, डिजीज आर परसिस्टेंट इन्फेक्शन इज दैट देयर इज नो रिकवरी ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट। मतलब अगर ये डिजीज हो जाता है तो जो सिम्टम्स इसके आ जाते हैं, जो इन्फेक्शन हो गया रहता है उससे कोई रिकवरी नहीं है। द प्लांट वेराइटी कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज। जो प्लांट में डिजीज़ हुआ है उसको क्या करना है, अगर आपको उसके बचाना है तो आपको क्या करना है, उस प्लांट को जिसमें डिजीज़ हुई है उसको बाकी सारे क्रॉप से, बाकी सारे प्लांट से क्या करना है, आइसोलेटेड कर देना है। उसके बाद एंड सो लॉन्ग इट कैन बी अलाइव सिम्टम ऑफ थायरॉयड इन्फेक्शन एज सम टाइम सिमिलर एज वायरल इन्फेक्शन लीव डिस्टॉर्शन व्हेन क्लियर वेनेशन स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ नेक्रोटिक स्पॉट्स क्लोरेटिक स्पॉट डेथ ऑफ होल प्लांट्स और known to be right to transmitted from one plant to another horizontally by mechanical means। देखिए इसमें क्या दिया है कि किस तरीके से प्लांट वायरॉइड डिजीज का ट्रांसफर होता है या क्या क्या सिम्टम्स उसके मिलते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले क्या दिया है कि सिम्टम में दिया है कि लीफ डिस्टॉर्शन होता है, मतलब लीफ जल जाती है। आपने कभी कभी देखा कि प्लांट की लीफ जो है साइड साइड्स में जल जाती हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन वायरॉइड्स भी उसमें से एक प्रकार है। लीफ डिस्टॉर्शन होता है, क्लीन वेनेशन, यहाँ पे वेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे वेनेशन होगा, क्लियर
वेनेशन, मतलब उसके जो वेन्स होती है, जो लीफ में वेन्स होती हैं उनका, वो ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उतनी उसकी जितनी हाइट रुक जाती है उतनी ही रह जाती है। नेक्रोटिक स्पॉट्स, मतलब अगर इस तरीके से लीफ है, अगर इस तरीके से लीफ है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पे जल गया है, पीला पीला हो जाता है, और वो उसको कहते हैं नेक्रोटिक स्पॉट्स, और वो रिकवर नहीं होता है। उसके बाद क्या दिया है, क्लोरेटिक स्पॉट्स। क्लोरेटिक स्पॉट्स में क्या होता है कि क्लोरोफिल वहाँ का ख़त्म हो जाता है, ये रिकवर हो सकता है, लेकिन नेक्रोटिक स्पॉट्स अगर हो गया तो वो रिकवर नहीं होता है। उसके बाद क्या है, कभी कभी क्या होता है, पूरे प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स हैं। और इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, इसका ट्रांसमिशन एक प्लांट से, मान लीजिए कोई प्लांट है, इससे दूसरे प्लांट में आराम से हो सकता है। मान लीजिए कि आपने इस प्लांट की डंडी वंडी कट की, किसी उसी औजार से कट की, जिस फिर आप आके इस प्लांट की भी छटाई उसी औजार से करते हैं, तो यहाँ से इन्फेक्शन आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। इसीलिए यहाँ पर दिया कि इसका जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या, जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई चीज़ें, एक चीज, एक ट्रांसफ़र होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा ट्रांसफ़र क्या होता है वर्टिकल। वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे कि एक आपने कोई चीज़ अपने से अपने फ्रेंड में या अपने भाई बहन में ट्रांसफ़र कर दी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि आपके फादर मदर से, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे जो है चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। मान लीजिए आपके फादर मदर से, ये मान लीजिए आपके पेरेंट हैं, और यहाँ से जो है DNA आपके अंदर जो है, ये जो है सन है, तो यहाँ से जब चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ऐसे ट्रांसफ़र को कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम जनरेशन में चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, कॉन्जुगेशन ले सकते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया एक तरीके से ट्यूब बनाती है और वहाँ से चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, तो ये भी एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल है। और जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है, जैसे वायरॉइड्स में क्या है, एक प्लांट है वो भी सेम जनरेशन का, दूसरा प्लांट भी सेम जनरेशन का, अगर ये किसी वजह से डिजीज़ को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे जो ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। समझ में आ गया। तो वायरॉइड्स के बारे में अगर आप सिंपल, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं, तो आप अगर ये तीनों स्लाइड्स में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको याद हो सके, वो सारी चीज़ें अगर आप लिख देते हैं तो भी आपके लिए बहुत है। अगर ये चीज़ें समझ में आती तो अच्छी बात है। किस तरीके से RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन होता है, किस तरीके से DNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन होता है, तो अच्छी बात है। आपको डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसे जो है ट्रांसफर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है। तो इसके साथ वायरॉइड्स का टॉपिक हम कवर कर देते हैं। कल की वीडियो में हम लोग प्रियॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा डिस्कस करके ये यूनिट जो है कि कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक ऑफ द प्रियॉन्स।